हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसिस, योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहने वाला है BDS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे BDS से रिलेटेड सारे फैक्ट्स के ऊपर, जो कि काउंसलिंग में स्टूडेंट्स की हेल्प करने वाले हैं। इस सेशन में हम जानेंगे कि BDS की काउंसलिंग कैसे करी जाती है, कहाँ कहाँ पर और कितने टाइप की काउंसलिंग रहती है, और सभी स्टूडेंट्स जो नीट का एग्ज़ाम देने के बाद अपनी काउंसलिंग करेंगे तो किस अप स्कोर के ऊपर स्टूडेंट्स कैसे फ़िल्टर आउट करेगी, कहाँ पे उसको काउंसलिंग करनी रहती है, क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं, कहाँ कहाँ पे आप काउंसलिंग कर सकते हो, गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में दोनों। थोड़ा सा आइडिया लेंगे ट्यूशन फ़ीस के ऊपर भी कि क्या ट्यूशन फ़ीस रहती है, जिससे कि आप जान पाओ कि आपका कॉस्ट ऑफ एजुकेशन क्या होने वाला है, और थोड़ा सा डिसीजन करेंगे इसके स्कोप के ऊपर, बिकॉज बंदा ये ज़रूर जानना चाहता है कि जिस भी कोर्स में हम करना चाह रहे हैं, जिधर जिस भी रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या आगे उस रास्ते पर मुझे सक्सेस मिलेगी कि नहीं। तो ये सारी चीज़ की समरी आज के सेशन में आपको मिलने वाली है, और होपफुली ये सेशन आपकी जर्नी में काफ़ी ज़्यादा आपके लिए मददगार रहने वाला है फ्रेंड्स। सो स्टार्ट करते हैं जल्दी से BDS के बारे में। फ्रेंड्स, जितना भी आप जानते हो अगर MBBS की काउंसलिंग के बारे में, सारी चीज़ एप्लीकेबल होती है BDS की काउंसलिंग में भी। फर्स्ट ऑफ ऑल कोर्स के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, जैसे कि कोर्स का नाम है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। तो इसके अंदर आप डेंटल की सर्जरी करते हो, और इसमें आप मेडिसिन और सर्जरी दोनों चीज़ें इसमें कर सकते हो। कोर्स की ड्यूरेशन बिल्कुल सेम रहती है, जस्ट लाइक MBBS 4.5 प्लस 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप, अभी तक यही है। चेंजेस काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं इंडिया में, हो सकता हो आगे चल के इसके अंदर भी चेंजेस हो सकते हैं। जैसे कि एक बंदा अपना पहले अंडर ग्रेजुएट UG करता है, MBBS करता है, वैसे इधर आप BDS करते हो, और इसको करने के बाद फिर आप अपना PG पोस्ट ग्रेजुएट कर सकते हो। इसके अंदर वहाँ पे आपको MDS करना पड़ेगा, और MDS के अंदर आप डिफरेंट आपके पास डिपार्टमेंट रहता है, उससे आप अपना स्पेशलाइजेशन कर सकते हो फ्रेंड्स। तो ये जनरल सी समरी थी अबाउट BDS, क्या ड्यूरेशन है, क्या कोर्स है। अब हम आते हैं इसकी काउंसलिंग के ऊपर फ्रेंड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दो टाइप की काउंसलिंग होती है हमारे इंडिया के अंदर, एक होती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए और दूसरी होती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए। तो स्टार्ट करेंगे हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग के लिए, क्या अप्रोच करनी चाहिए और एक इंडिविजुअल स्टूडेंट कौन कौन सी काउंसलिंग कर सकता है। सो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप में से काफ़ी लोगों को पहले पता होगा, आप लोगों ने डिफरेंट जगह से सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से आपको पता होगा, और या काफ़ी लोगों के पास ऐसा एक्सपीरियंस भी होगा जिन्होंने, जो रिपीटर्स हैं जिन्होंने पिछले प्रीवियस ईयर्स में काउंसलिंग करी है, कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर दो काउंसलिंग होती है। काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे, एक काउंसलिंग होती है जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बॉडी है वो है आपकी MCC, मेडिकल काउंसलिंग कम्युनिटी, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है MCC.NIC.IN। इसके ऊपर जब आपकी MBBS की काउंसलिंग होगी तो साथ में ही आपकी BDS की काउंसलिंग होगी, और ये फंडा पूरे इंडिया में सभी काउंसलिंग के अंदर चलेगा। जहाँ पे आप देखोगे किसी भी ओपन स्टेट में या किसी रिजर्व स्टेट में, जब भी MBBS की कोर्स की काउंसलिंग होगी तो साथ में BDS की काउंसलिंग होगी। पैरेलल अलग से कोई काउंसलिंग नहीं होती है, साथ में दोनों काउंसलिंग एक ही साथ चलती है, पैरेलल ही चलती है। जिनको MBBS कोर्स में एडमिशन लेना है वो MBBS की चॉइस फिलिंग करते हैं, MBBS कोर्स को सेलेक्ट करते हैं। जिनको BDS कोर्स में एडमिशन लेना है वो BDS की चॉइस फिलिंग करते हैं और उसके कॉलेज सेलेक्ट करते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि बंदा MBBS और BDS की काउंसलिंग एक साथ कर सकता है? माइंड में बहुत से क्वेश्चन आते हैं। यस, ये भी पॉसिबल है कि आप MBBS और BDS की काउंसलिंग एक साथ कर सकते हो। ऊपर आप MBBS के कॉलेज डालो, नीचे आप BDS के कॉलेज डालो, या आपका डेंटल में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो ऊपर आप डेंटल के कॉलेज डालो, नीचे MBBS के कॉलेज डालो। सो हम वापस आते हैं काउंसलिंग, जो हमारा मेन कंटेंट था। तो काउंसलिंग एक सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है MCC.NIC.IN इस पोर्टल के ऊपर। इस पे जो काउंसलिंग होती है, इस काउंसलिंग को बोलते हैं ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग। जैसे कि नाम से ही हमको पता चल रहा है, ऑल इंडिया कोटा, यानी कि पूरे इंडिया का कोटा। इसमें कोई भी बच्चा इंडिया के किसी भी पार्ट से आके काउंसलिंग करा सकता है, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख स्टूडेंट्स, वो सिर्फ अपने स्टेट में ही काउंसलिंग कर सकते हैं, रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर वहाँ का भी बच्चा ये काउंसलिंग करना चाहता है तो वो डिक्लेरेशन देके इस काउंसलिंग को भी कर सकता है। तो कोई भी बच्चा हो, गुजरात का हो, महाराष्ट्र का हो, UP का हो, हरियाणा का हो, बिहार का हो, तमिलनाडु, तेलंगाना, कहीं का भी स्टूडेंट हो, आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में आपने पार्टिसिपेट कर लिया MCC.NIC.IN पे रजिस्ट्रेशन करके। यहाँ पे सिर्फ आप
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग करेंगे। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन आता है कि ठीक है, इसमें एडमिशन लेने के लिए मुझे कितना स्कोर चाहिए होगा। फ्रेंड्स, ऐसे कि ज़्यादातर जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, ज़्यादातर जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं, पहले उनका डिमांड रहता है कि मुझे MBBS में एडमिशन मिल जाए। और इन केस अगर वो देखते हैं कि मुझे MBBS में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है और उनके पास प्राइवेट में जाने का ऑप्शन नहीं है, तब वो डिसाइड करते हैं टू गो फॉर द BDS। तो जहाँ पे आप देखोगे कि MBBS का कट ऑफ फिनिश हुआ है, उसका लास्ट अलॉटमेंट फिनिश हुआ है, जस्ट उसके बाद के नेक्स्ट स्कोर से आपका BDS स्टार्ट हो जाता है। टेक आर एग्जांपल, 2019 में जो काउंसलिंग हुई थी उसमें 582 नंबर तक जनरल वाले बच्चे को MBBS सीट मिली थी, तो 581 वाले बच्चे ने BDS की काउंसलिंग करी। 25 से 30 नंबर का डिफरेंस आता है। फॉर एग्जांपल कि 582 पे MBBS फिनिश हुआ था, तो आप देख सकते हो कि नियर अबाउट अराउंड यू कैन से कि 550 तक आपका BDS भी फिनिश हो जाएगा। यानी कि ऑल इंडिया कोटा से अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो अभी तक जो प्रोजेक्टेड स्कोर है डैट शुड बी 550। हर साल जैसे कि पेपर भी चेंज होता रहता है, तो कट ऑफ भी चेंज होते रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स हैं, तो इसमें थोड़ा बहुत नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। एक जनरल टेंटेटिव आइडिया देना चाहा हमने कि लास्ट 550 तक ऑल इंडिया कोटा पे आपको सीट मिल सकती है, 2-4-5 नंबर ऊपर नीचे इसमें हो सकते हैं। सो ये था आपका ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग। यहाँ पे सभी स्टेट, जितने भी स्टेट हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, पांडिचेरी, इधर नॉर्थ के जितने स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल, ये अपनी टोटल सीट्स का 15% सीट यहाँ पे देते हैं। तो सभी जगह से जितनी भी 15% सीटें आती हैं यहाँ पे कलेक्ट होती हैं और उसकी एक कंबाइंड काउंसलिंग होती है, जिसको बोलते हैं ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, 15% फॉर BDS। इसका कट ऑफ हमने आपको बताने की कोशिश करी, टेंटेटिवली यू कैन से डैट कि आपका 550 नंबर तक यहाँ पे आपका अलॉटमेंट होने की चांसेस रहेगी फॉर द जनरल कैटेगरीज। और इसी तरह से अगर आपको एक रफ आइडिया निकालना है, तो जो भी कैटेगरीज हो, आप SC से हो, ST से हो, OBC से हो, फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट हो, तो जहाँ पे आप देख रहे हो कि लास्ट ईयर आपका कट ऑफ फिनिश हुआ था MBBS का, उसके जस्ट बाद आपका यहाँ पे कट ऑफ स्टार्ट हो जाएगा। कट ऑफ के बारे में आप लोगों को कहीं पे इशू हो रहा है, कहीं पे आपको कट ऑफ नहीं मिल रहा है, तो आप eduacs.com पे विजिट करके सारे कॉलेज का नाम, वहाँ से फीसेस, उनके कट ऑफ निकाल सकते हो। डैट इज़ टोटली फ्री, अवेलेबल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। तो ये एक काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा की कर सकते हैं गवर्नमेंट में। दूसरा, हम आते हैं अपने स्टेट की काउंसलिंग कर सकते हैं। आप हरियाणा के हो तो हरियाणा में आप एलिजिबल हो। अब दूसरे स्टेट में कभी बच्चा काउंसलिंग नहीं कर सकता, जहाँ की डोमिसाइल है उसी स्टेट में कर सकते हैं। कोई बच्चा महाराष्ट्र का है तो आप महाराष्ट्र के स्टेट की काउंसलिंग कर सकते हो। आप यूपी के हो, तेलंगाना के हो, उड़ीसा के हो, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो, तो आप अपने होम स्टेट के बाकी रिमेनिंग 85% सीट जो रह गई थी 15% देने के बाद, उन सीट्स के लिए आप क्वालिफाइड हो, वहाँ की आप काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब कितना नंबर चाहिए इसमें, नीट में कितने नंबर होने चाहिए, तो वही फॉर्मूला जो ऑल इंडिया कोटा में लगा है, यही फॉर्मूला आपका यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा कि आपके स्टेट की जो लास्ट MBBS की कट ऑफ है, सेम उसके जस्ट बाद वाले नंबर से आपकी BDS की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जो काउंसलिंग की जो रेंज होती है वो मैक्सिमम यू कैन से डैट 30-40 नंबर्स के बीच में रहेगी। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप देख रहे हो कि यूपी 575 पे MBBS पे लास्ट ईयर फिनिश हुआ था, तो विद द स्कोर ऑफ 545 तक आपको BDS में सीट मिलने की चांसेस रहेंगी। BDS के अंदर एक्चुअली ज़्यादा सीट्स होती नहीं है। तो ये दो काउंसलिंग होती है, एक स्टेट कोटा 85% और ऑल इंडिया कोटा 15%। ये दो आप गवर्नमेंट की काउंसलिंग कर सकते हो। फीसेस काफ़ी नॉमिनल होती हैं यहाँ पे, 20,000, 10,000, 25,000, 30,000, 40,000 तक एनुअल ट्यूशन फीसेस रहती हैं। तो ये दो आपके पास ऑप्शन रहेंगे फॉर द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज काउंसलिंग। इसके अलावा अब और कौन कौन सी काउंसलिंग होती है, तो ये गवर्नमेंट सेक्टर हो गया। अब हम बात करेंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की। तो जितने भी स्टेट्स हैं, सभी स्टेट्स अपनी काउंसलिंग कराएंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपनी काउंसलिंग कराएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में कराता है ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग, और जो डीम की जिसकी जो कॉलेजेस हैं, जो प्राइवेट के अंदर जो कॉलेज आते हैं उनको बोलते हैं डीम यूनिवर्सिटीज़। डीम मतलब होता है जो ऑटोनॉमस होते हैं, जो खुद से अपना सेल्फ डिसीजन ले सकते हैं डायरेक्ट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं, स्टेट को रिपोर्ट नहीं करते हैं। तो जितनी भी डीम यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया के अंदर, फिलहाल 42 डीम यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो ये सभी डीम यूनिवर्सिटीज़ आपकी BDS भी कोर्स रन करते हैं। तो जहाँ जहाँ पे MBBS चलता है, ऑलमोस्ट उन्हीं सब कॉलेज में आपको BDS भी चलता है। DY पाटिल, भारती विद्यापीठ,
मणिपाल मेडिकल कॉलेज, केली बेलगांव, जेएसएस मैसूर, एनापोया मेडिकल कॉलेज, ये काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं, यहाँ पे आपको बीडीएस में एडमिशन मिल जाएगा। कट ऑफ काफ़ी लो हो जाती है प्राइवेट के अंदर, इवन 200 नंबर तक या लेस देन 200 नंबर तक भी आपको सीट मिल जाती है, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि कौन से राउंड में आप, बिकॉज कट ऑफ राउंड के हिसाब से शिफ्ट होती रहती है, तो फर्स्ट राउंड में ज़्यादा आपके पास अच्छे चांसेस रहते हैं बिकॉज उस समय मैक्सिमम स्टूडेंट एमबीबीएस की काउंसलिंग में बिजी रहता है। डीम की फीसेस थोड़ी सी हाई रहती हैं इन कंपेरिजन टू स्टेट कॉलेजेस, तो डीम में अगर आप बीडीएस देखते हो तो 5 लाख, 6 लाख, 4 लाख, ऐसे 7 लाख, 8 लाख रुपये तक आपकी एनुअल ट्यूशन फीस रहती हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर हम एक बजट निकालेंगे कि टोटल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन क्या आएगा बीडीएस में अगर हम डीम यूनिवर्सिटी से करते हैं, तो दोस्तों आप 20 लाख, 22 लाख, 25 लाख, 30 लाख तक का बजट आएगा, सभी कॉलेज का अलग होगा। इसमें ऐसा नहीं कि कोई कॉलेज ज़्यादा फीस ले रहा है तो वो कॉलेज ज़्यादा एडवांस होगा या ज़्यादा आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी, ये आपकी इंडिविजुअल रिसर्च के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इसको आप जानना है तो आप ये देख लो कि इस कॉलेज में कितने सालों से ये बीडीएस का प्रोग्राम चल रहा है, जितना ज़्यादा पुराना वहाँ पे बीडीएस होगा, ये प्रोग्राम चल रहा होगा, उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होगा उस कॉलेज के पास और उतना ज़्यादा एक्सपोजर आपको मिलेगा और पेशेंट लोड भी उस हिसाब से आपको वहाँ पर मिलेगा। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी की भी काउंसलिंग mcc.nic.in इसी पोर्टल पर होती है, मेडिकल काउंसलिंग कम्युनिटी कराती है। और इसके अलावा जो आपका स्टेट है, आप अपने स्टेट की काउंसलिंग में, सभी स्टेट 29 स्टेट्स हैं तो 29 स्टेट्स अपनी अपनी इंडिविजुअल काउंसलिंग कराएंगे। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है स्टूडेंट सामने कि कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है यार, कौन सा बेस्ट रहेगा, तो ये सब चीज़ें आपको काउंसलिंग से पहले डिसाइड करना रहता है। तो जितने भी स्टेट्स हैं सभी अपने पास काउंसलिंग कराएंगे प्राइवेट की। तो भारत में फिलहाल अभी 17 से ज़्यादा राज्य हो गए, 17 से ज़्यादा स्टेट्स हो गए जो कि ओपन स्टेट्स हैं। ओपन स्टेट्स की मीनिंग होती है कि ऐसे स्टेट जहाँ पर दूसरे स्टेट के बच्चे भी आके प्राइवेट कॉलेज के लिए काउंसलिंग कर सकते हैं, बट नॉट फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में तो सिर्फ डोमिसाइल वाला ही बच्चा करेगा। जैसे कि जल्दी नाम लेने की कोशिश करता हूँ कुछ ओपन स्टेट्स की, पांडिचेरी ओपन हो गया था लास्ट ईयर, तमिलनाडु ओपन है, तेलंगाना ओपन है, कर्नाटका ओपन है, वेस्ट बंगाल ओपन है, त्रिपुरा ओपन है, बिहार ओपन है, उत्तर प्रदेश ओपन है, हरियाणा ओपन है, हिमाचल प्रदेश ओपन है, उत्तराखंड ओपन है, राजस्थान ओपन है, ये सारे ओपन स्टेट्स हैं जो कि यहाँ पे हर स्टेट का, और मध्य प्रदेश भी ओपन स्टेट है, यहाँ पे दूसरे स्टेट्स के बच्चे जाके काउंसलिंग करा सकते हैं। तो इन सभी स्टेट्स में अगर आप देखते हो तो ट्यूशन फीस के ऊपर अगर हम आते हैं तो कहीं पे 2 लाख रुपए की फ़ीस रहती है, कहीं पे 2.5 लाख की फ़ीस रहती है एनुअली, कहीं पे 3 लाख की रहती है, कहीं पे 4 लाख की रहती है। तो जैसा आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से आप वहाँ पे कोर्स को सेलेक्ट कर सकते हो। तो सभी ओपन स्टेट में कोई भी बच्चा जाके काउंसलिंग करा सकता है, और 300 नंबर पे भी मिलेगा, 400 नंबर पे भी कॉलेज मिलेगा, 200 पे भी मिलेगा, इवन जस्ट क्वालिफाइड को भी कॉलेज मिल सकता है अगर आप सही से काउंसलिंग करते हो, आपको पता है कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, कौन से राउंड में किसको सेलेक्ट करना है। तो इस तरह से सभी स्टेट्स अपनी काउंसलिंग कराते हैं, और इसमें आपको यही एक जनरल फॉर्मूला अगर आप जानना चाहते हो, बिकॉज एक क्वेश्चन आता है माइंड में कि कौन सा अच्छा कॉलेज है, तो अच्छे देखिए काफ़ी अच्छा गोल्डन फॉर्मूला है हमारे पास, ओल्ड इज़ गोल्ड। तो आप ये देखा करो कि ये जो कॉलेज है कितना पुराना है, जितना ज़्यादा पुराना होगा उतना ज़्यादा उसके पास एक्सपीरियंस होगा, फैकल्टी और हर चीज़ वो अपने टाइम के हिसाब से सही कर लेता है। लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अच्छा लोकेशन होती है तो पेशेंट का आना जाना वहाँ पे कन्वीनियंट काफ़ी ईजी रहता है, तो लोकेशन को भी आपको देखना है। यूपी में भी काफ़ी कॉलेजेस हैं, उत्तर प्रदेश के अगर हम कुछ, काफ़ी स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था कि यूपी के डेंटल कॉलेज के बारे में बताइए, तो यूपी में अगर हम बेस्ट कॉलेज की बात करते हैं तो आपका बाबू बनारसी दास मेडिकल कॉलेज जो कि लखनऊ के अंदर आता है काफ़ी अच्छा कॉलेज है, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज लखनऊ के अंदर आता है काफ़ी अच्छा मेडिकल कॉलेज है डेंटल के लिए, इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉलेज आता है इधर गाज़ियाबाद में काफ़ी अच्छा कॉलेज है, ITS मेडिकल कॉलेज आता है काफ़ी अच्छा कॉलेज है, शारदा मेडिकल कॉलेज आता है काफ़ी अच्छा कॉलेज है, कालका मेडिकल कॉलेज आता है काफ़ी अच्छा कॉलेज है, बाकी बिहारी मेडिकल कॉलेज आता है काफ़ी अच्छा कॉलेज है, कॉलेजेस काफ़ी अच्छे हैं। तो इनमें से कुछ हमने मेन नाम लिए हैं, उत्तराखंड में भी आप देखोगे 2 मेडिकल डेंटल कॉलेज हैं, आपके सीमा डेंटल मेडिकल कॉलेज और मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे भी आप लोग जा सकते हो, ओपन स्टेट है। तो सभी स्टेट्स के पास अपने डेंटल कॉलेज है और ओपन स्टेट में एक बच्चा दूसरे स्टेट में जा सकता है काउंसलिंग करने के लिए, तो ये आपके पास ऑप्शन रहते हैं। तो शॉर्ट में हमने आपको ये बताया कि कैसे काउंसलिंग होती है, गवर्नमेंट में आप ऑल इंडिया कोटा और अपने स्टेट में काउंसलिंग कर सकते हो, स्कोर लेकिन उसमें आपका अबव लगेगा, 500 के प्लस में लगेगा, और प्राइवेट में लो स्कोर तक भी आपको सीट मिल सकती है। ट्यूशन फीस की रेंज रहती है 2 लाख से लेकर 8 लाख रुपए तक ट्यूशन फीस आपको अलग अलग जगह पर मिल जाएगी। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो हाई कॉस्ट नहीं पे कर सकते हैं, तो अगर आपके पास लो बजट भी है 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, इन सभी बजट्स में आपको डेंटल की सीट्स अवेलेबल हो जाएगी।
इस तरह से आपकी काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग के टाइम पे एडवाइसेस की ये टीम आपको बताती रहेगी कि कहाँ पे फॉर्म निकला है, कैसे आपको अप्रोच करना है। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको काउंसलिंग टिप्स टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेगी, और इसको आप देख के सही तरह से काउंसलिंग को एनालाइज करके काउंसलिंग कर सकते हो। अदरवाइज़ काउंसलिंग से पहले edusses.com पे भी आपको सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो एक स्टूडेंट को चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगी दोस्तों। और इसके बाद भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो उस कंडीशन में आप हमसे इनरोल कर सकते हो। यू कैन टेक आवर पेड काउंसलिंग सर्विसेज, उसमें हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि आपको कैसे काउंसलिंग करी जाए आपके स्कोर के ऊपर, आपकी कंडीशंस को देखते हुए, जैसे कि आपको एक बेस्ट अलॉटमेंट मिले और एक अच्छे डेंटल कॉलेज में जाके अपनी करियर जर्नी स्टार्ट कर लो। तो ये बात कर ली हमने पार्ट वन, क्या होता है BDS कोर्स, क्या इसकी ड्यूरेशन है, कैसे काउंसलिंग करते हैं, क्या कट ऑफ लगता है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं इसके। अब थोड़ा सा मेन चीज़ बात कर लेते हैं जो कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की मेजर क्यूरियोसिटी रहती है और उसको जानना भी काफ़ी इसको रुचि है, कि लोग कह रहे हैं कि BDS करने में ज़्यादा स्कोप नहीं है और BDS से अब पहले की तरह उतना ज़्यादा सक्सेस रेट नहीं है, इतनी ज़्यादा इनकम नहीं है। सो दोस्तों, एज अ मेंटल मैं आपको यहाँ पे एक न्यूट्रल अप्रोच बताऊँगा। इसमें ऐसा नहीं है कि हम किसी के बारे में कुछ अच्छी बढ़ाई करेंगे। देखिए, मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हमने देखे हैं पिछले इतने सालों की जर्नी में जहाँ पे हम स्टूडेंट से मिलते हैं, उसमें से ज़्यादातर लोग अभी भी ये सोचते हैं कि हम किसी कॉलेज में जाके एडमिशन ले लेंगे, वहाँ से कोर्स कर लेंगे, हमारे हाथ में डिग्री आ जाएगी, लाइसेंस आ जाएगी, तो हमको लोग डॉक्टर साहब बोलेंगे और हमको रिस्पेक्ट मिलेगी और हमारे पास पैसे की बारिश होने लगेगी। दोस्तों देखो, सक्सेस ऐसे नहीं आती है। सबसे पहले आपको देखना है कि यू विल बी बिकम अ स्पेशलाइज्ड पर्सन इन अ डेंटल, एज अ डेंटल सर्जन। आपके पास एक डिग्री है, आपके पास एक लाइसेंस है, तो बहुत सारे बच्चे निकलेंगे डेंटल करके, लेकिन बेस्ट कौन होगा? जिसके पास अपनी फील्ड में, जिसने अच्छे से पढ़ाई करी है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है और उसके पास एक अच्छी नॉलेज बेस है। तो नॉलेज बेस सबसे टॉप पे रखना, दोनों टाइप की नॉलेज, थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल ज़्यादा अप्रोच। तो एक अच्छी नॉलेज की ज़रूरत है और बहुत सी अदर स्किल्स की ज़रूरत है। आप देखोगे हमारे इंडिया में, आपके स्टेट में, आप जहाँ पे रहते हो आपके रीजन में, आपको मिल जाएंगे बहुत सारे लोग जिनको कि डेंटल सर्जन की रिक्वायरमेंट है, जिनको अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम होती रहती है। आप देखते हो लोगों की हैबिट ऐसी ऐसी चीज़ें खाते हैं, ठीक है, सिगरेट पीते हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसे करते हैं जिससे दांत ख़राब होते हैं, तो डेंटल सर्जन की रिक्वायरमेंट है। लेकिन इंडिया बदल रहा है, चीज़ें बदलनी हैं, तो उसके हिसाब से आपको भी अपनी अप्रोच बदलनी है। मेन चीज़ होता है, आपने अपनी क्लिनिक ओपन करी या कहीं जॉब पे गए, तो आपने कितनी ज़्यादा सोशल अवेयरनेस करी, आपके आसपास वाले लोगों को पता होना चाहिए। तो काफ़ी एक्टिविटीज़ करनी रहती हैं दोस्तों सक्सेसफुल करने के लिए। आप देखोगे डेंटल करने के बाद काफ़ी लोग आपको सक्सेसफुल भी मिलेंगे, काफ़ी लोग अनसक्सेसफुल भी मिलेंगे। तो इससे ये चीज़ तो पकड़ में आ गई कि देखो, डिग्री का दोष नहीं है, अगर डिग्री ख़राब होती तो ये सक्सेसफुल लोग तो नहीं होते। तो कहीं ना कहीं बीच में कुछ ऐसी चीज़ है जो ढूंढने वाली है, वो ये रहती है कि किस बंदे ने कितना एफर्ट किया। आज की डेट में ज़्यादातर लोग डॉक्टर को जाने से पहले वो सर्च करते हैं कि उनके लोकल एरिया में कौन सा डॉक्टर है। तो आप डॉक्टर बनने के बाद अपनी क्लिनिक खोलने से पहले अपना अप्रोच कैसे करते हो, मार्केटिंग कैसे करते हो, तो जो डिफरेंट डिफरेंट जो सोशल ऐप्स रहते हैं वहाँ पे आपका नंबर होना चाहिए, जो डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स ऐप्स रहते हैं वहाँ पे आपका नंबर रहना चाहिए, जस्ट डायल गूगल पे आपका नंबर रहना चाहिए, आपकी वेबसाइट रहनी चाहिए। और अगर आप पब्लिक में लाइव आके अपने कुछ लेक्चर्स देते हो तो लोगों को पता है कि यार एक बंदा है या एक बंदी है जिसने ये कोर्स करके रखा है, इसको इस चीज़ में अच्छी नॉलेज है, और लोग नॉलेजेबल पर्सन को ही ढूंढते हैं, तो इसके पास जा सकते हैं, ही कैन सॉल्व आवर क्वेरी। और जिस एरिया में आपकी क्लिनिक है या जहाँ पे भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, वहाँ पे भी आप टाइम टाइम पे ऐसी अगर एक्टिविटीज़ करते रहो जिससे कि अवेयरनेस बढ़ रहा है, फ्री चेकअप्स कर रहे हो, यानी कि इनको पता है कि यहाँ पे एक डेंटल क्लिनिक है एंड ही इज़ अ जॉली पर्सन, अच्छा बंदा है और अच्छा उसके पास फील्ड पे भी कमांड है, तभी उस तरह से लोग आएंगे। तो सक्सेस ज़रूर मिलती है दोस्त, ऐसा नहीं है कि स्कोप नहीं है, लेकिन स्कोप के को इन्हेंस करने के लिए आपको काफ़ी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। सो अगर इफ़ यू आर गोइंग फॉर द BDS, अगर आप BDS के बारे में सोच रहे हो, तो एक ऑप्टिमिस्टिक सोच को रखना सबसे टॉप पे ज़रूरी है। आप खुद ही अपने कोर्स के बारे में नेगेटिव सोचोगे तो अनफॉर्चुनेटली बात है कि आपको नेगेटिविटी मिलेगी आगे। और अगर आप पॉजिटिव रहोगे कि ठीक है, प्रॉब्लम्स आएगी, आई विल फेस इट, मैं एक्सप्लोर करता रहूँगा इस चीज़ में, टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करता रहूँगा, नॉलेजेबल बनता रहूँगा, और जनरल पब्लिक में अपनी अवेयरनेस फैलाने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी होंगी टेक्निकली थ्रू एप्स, एप्लीकेशंस,
जो भी है सोशल मीडिया के थ्रू, वहाँ पे भी हमको वहाँ पे लाइव रहना है, वहाँ पे भी हमारे कॉन्टैक्ट नंबर और सब कुछ होना चाहिए, एंड प्लस जो फिज़िकल हम एक्टिविटीज़ करते हैं वो भी हम करेंगे। तो अगर इस तरह से आप सोचते होगे, बेहतरीन सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे, हमेशा जीतने के बारे में सोचोगे, तो अल्टीमेट स्कोप आएगा और ऐसा भी होगा कि आप MBBS डॉक्टर से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। और ऐसे ही लोग सक्सेसफुल बनते हैं। तो जो सक्सेसफुल डॉक्टर्स की जो कहानी है वो इसी तरह से आती है। कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं है जो सिर्फ डिग्री लेके बैठ गया, अब तो मेरे पास डिग्री है, अब तो लोग आएंगे। लोगों को आपकी डिग्री में इंटरेस्ट नहीं है, उनको आपके काम पे इंटरेस्ट है, आपकी स्किल से इंटरेस्ट है। सो ये पहला गेटवे है। मैंने आपको बताया कि एक डेंटल का कोर्स करना है, BDS करना है, तो कैसे किया जा सकता है, गवर्नमेंट में कैसे जाया जा सकता है, प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग कैसे की जाती है। काउंसलिंग इज़ द ओनली मीन्स, सिर्फ काउंसलिंग करके ही आपको सीट क्लेम कर सकते हो, देयर इज़ नो अदर वे टू टेक द एडमिशन। काउंसलिंग सब गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ कराएंगी, स्टेट की काउंसलिंग स्टेट DGMEs कराती हैं, डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन कराते हैं सब स्टेट के, और आपका सेंट्रल की काउंसलिंग आपकी MCC कराएगी। तो इस तरह से आपकी काउंसलिंग होने वाली है और डेंटल के जर्नी आपकी स्टार्ट होने वाली है। तो होपफुली फ्रेंड्स, आपके सेशन में हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाएँ जो कि आपकी कैरियर जर्नी में मदद कर सकती है। सेशन अच्छा लगे तो ऐसे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो जो कि डेंटल सर्जन बनना चाहते हैं। और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो काउंसलिंग के टाइम पे ऐसे काफ़ी सेशंस आते रहेंगे, जिससे आपको टाइम टाइम पे काउंसलिंग के बारे में आइडिया मिलता रहेगा, जिससे कि आप एक स्मूथ काउंसलिंग कर सकते हो। अगर आप हमारे साथ रजिस्टर्ड नहीं भी हो तो भी हमने इस तरह से एडुकेशन सर्विसेज सोचता है कि सभी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ किया जा सके। तो हमारी वेबसाइट पर भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, हमारे डिफरेंट टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, वहाँ पर भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, सब सेशंस आते रहते हैं, और यूट्यूब पर भी इन्फॉर्मेशन आती रहती है। और इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट रह जाता है कि नहीं, आई नीड अ मेंटर फॉर माई काउंसलिंग, सो फॉर हायरिंग अ मेंटर यू कैन कॉन्टैक्ट अस, आप हमारे साथ इनरोल कर सकते हो, एंड देन आवर टीम विल हेल्प यू दैट हाउ टू अप्रोच फॉर द काउंसलिंग ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स, ऑन द बेसिस ऑफ योर बजट, ऑन द बेसिस ऑफ योर कंडीशन, सो दैट यू कैन गेट द बेस्ट अलॉटमेंट फ्रॉम द वॉट एवर द नीट स्कोर विच यू हैव अचीव इन द नीट एग्जामिनेशन फ्रेंड। सो दैट्स ऑल फॉर टूडे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग यू वेल्युएबल टाइम। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।